आपको 100% सच बताते हैं, दुनिया में जो धनवानों में नंबर रखते हैं, इस देश में जो धनवानों में नंबर रखते हैं, ऐसे लोग हमें मिले हैं। अगर पैसे से स्वर्ग होता, उनके पास सब कुछ है, अच्छा पहनने को, अच्छा खाने को, हवा में उड़ार है, हर चीज है, सुख सुविधा के साधन। पर उन्होंने बताया कि झूला देने वाले बेड, जैसे लक्ष्मण झूला है, ऐसे बेड होते हैं, और जब नींद नहीं आती उन पे, मखमल के गद्दे होते हैं, यूं लगता है जैसे बिच्छू डंक मार रहा हो। फिर इंजेक्शन लेते हैं, टेबलेट्स लेते हैं, तब जाके नींद आती है। क्या इसी का नाम स्वर्ग है? पैसा तो उनके पास बहुत है, घर में चार लोग हैं, एक का मुंह इधर है, एक का इधर है, एक घर में आता है, दूसरा निकल जाता है, कोई आपस में प्यार नहीं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, क्या इसी का नाम स्वर्ग है? पैसा है, पैसा तो उनके पास इतना है, शायद उस पैसे से कई महल बना लें, अगर उपायों की दीवार बनानी हो, इतना पैसा है, लेकिन शांति नहीं है। हमारे धर्मों में लिखा है, आत्मिक शांति जिसके पास है, वो सारी दुनिया के बादशाह से भी सुखी है। और जिसके पास आत्मिक शांति नहीं है, सारी दुनिया का राजा भी सबसे दुखी है। आत्मिक शांति आएगी कैसे? क्या पैसे से? नहीं। क्या शारीरिक ताकत से? नहीं। क्या बड़ा बिजनेस व्यापार करने से? जी नहीं। आत्मिक शांति आएगी आत्म बल आने से। जिसके अंदर आत्म बल होगा, आत्मिक शांति भी आएगी। पर यह आत्म बल कहां से मिलता है? एलोपैथी में नहीं है कोई टॉनिक जो डायरेक्ट आत्म बल बढ़ा दे, आयुर्वेदा में नहीं है, होम्योपैथी में नहीं है, नेचुरपैथी में नहीं है, और अमेरिका में साइंस का सबसे बड़ा केंद्र नासा साइंस केंद्र भी ये मान चुका है कि आत्मबल अगर मिलता है तो वो मेडिटेशन से मिल सकता है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।